Yes, good afternoon all of you. Yes, good afternoon everyone. Yes, am I audible? Yes, okay, fine. So yes, in last sessions we have covered some important environment related international organizations, and now today we are going to cover some Indian important environment related institutes and organizations. Okay, so start karte hai. And before starting with the session, I just want to let you know about the different hum Unacademy app pe environment related bahut acche kuch initiative start kiye hai. एंड वो इनिशिएटिव्स ऐसे रहेंगे कि एनवायरनमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज, बिकॉज एज़ यू नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के जो है वो डायनेमिक क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने जो जून 19 से लेके जून 2020 तक का कवरेज आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया है. सो अनएकेडमी ऐप पे आपको सिंपली मिल जाएगा, या फिर आप आर्टिकुलेट जो रहेगा आपका तो उसमें एक प्लेलिस्ट है एनवायरनमेंट करंट अफेयर्स की, तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो. ठीक है, तो पूरा जून 19 से जून 20 का कवरेज आपको आर्टिकुलेट ऐप पे प्रोवाइड किया है. एंड आफ्टरवर्ड्स दैट इज जुलाई 20, अगस्त 20 एंड सितंबर 20, तो उसका कवरेज आपको अनएकेडमी ऐप पे जस्ट सुमित कोंडे टाइप करना है और वहाँ पे आपको विथ पीपीटी सब पूरे एंटायर वन ईयर के आपको वहाँ पे जो पीडीएफ से तो वो भी मिल जाएगा एंड लेक्चर्स भी अवेलेबल है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ज्योग्राफी रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस वहाँ पे प्रोवाइड किए. वर्ल्ड मैपिंग रिलेटेड होगा या बहुत एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने वहाँ पे प्रोवाइड किया आपको एनवायरमेंट रिलेटेड. सेक्शन वाइज हमने कवर किया, दैट इज ऑन इकोसिस्टम होगा, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, जैसे सेक्शन वाइज हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी विद डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं. ठीक है, सो बस आपको अनएकेडमी ऐप पे स्पेशल क्लासेस है, दोज आर द फ्री क्लासेस, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा. ठीक है, सो यू कैन सिंपली यूज द रेफरल कोड दैट इज सुमित कोंडे इफ़ यू वॉन्ट टू गेट द मेंबरशिप ऑफ द प्लस. ओके, सो नेक्स्ट है, सो चलो लेट्स स्टार्ट विद द ऑल एनवायरमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस. दैट इज़ द सेकेंड पार्ट रहेगा हमारा आज का. सो दैट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है. ओके, सो इंडियन इंस्टीट्यूशन हम स्टार्ट करने वाले एंड सम ऑफ द इसमें से कुछ बाकी रहेंगे तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कुछ कवर करेंगे. अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके लास्ट लेक्चर में कुछ बाकी थे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. नाउ स्टार्ट विद द इंडियन इंस्टीट्यूशन एंड उसमें चलो लेट्स स्टार्ट. नहीं सॉरी, हमारा WWF लास्ट टाइम कुछ कवर हुआ था एंड सम ऑफ द टॉपिक्स बाकी थे. ठीक है सर, आई थिंक वी आर अप टू द इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन. जो लेक्चर वन आपको प्रोवाइड किया गया था तो उसमें इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशंस तक हम आए थे. ठीक है, सो उसके बाद का नेक्स्ट है दैट इज बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. सो व्हाट इज एग्जैक्टली द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल? ओके, सो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इस बार इंडिया में CMS का मीटिंग हुआ था, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज, दैट इज इन द गांधीनगर गुजरात. तो उसी रिगार्डिंग अगर देखा जाए सो इंडिया में बहुत सारे एरियाज माइग्रेटरी स्पीसीज, जो एवियन स्पीसीज सबसे ज्यादा माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे एरियाज इंडिया में क्या हुआ था, इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज डिक्लेयर हुए थे. सो इनका एक मेजर इनिशिएटिव होता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का, जो डिक्लेयर करते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, कि जिसमें A1, A2, A3, A4 ऐसे कुछ डिफरेंट साइट्स होते हैं. तो उसमें से काजीरंगा उन्होंने ऐसे बताया था कि इंडिया में सबसे मोस्ट डाइवर्सिफाइड जहाँ पे स्पीसीज आपको मिल जाएंगे एवियन रिलेटेड. तो इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है, ऐसे UPSC का क्वेश्चन भी था. सो दैट इज डिक्लेयर बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. एंड इंडिया में इसको कॉपरेशन कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज BNHS, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये इंडिया में इसको कॉपरेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, सो देखो करंट में भी ये डिस्कशन में चल रहा है बिकॉज ऑफ द CMS, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज. ओके, जो बॉर्न कन्वेंशन आता है वो बर्ड रिलेटेड अगर देखा जाए या माइग्रेटरी स्पीसीज रिलेटेड, एवियन स्पीसीज रिलेटेड बॉर्न कन्वेंशन आता है. बॉर्न चैलेंज ये किसके लिए रहेगा, तो वो रहेगा अफॉरेस्टेशन के लिए. ठीक है, सो बॉर्न चैलेंज इज डिफरेंट एंड बॉर्न कन्वेंशन इज डिफरेंट. सो मोस्टली एवियन स्पीसीज या माइग्रेटरी स्पीसीज रिलेटेड कौन सा कन्वेंशन है, बॉर्न कन्वेंशन. ओके, सो प्लीज नोट दिस पॉइंट. एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज, चलो देखते हैं इसमें डिटेल्स में. तो इट वॉज नेम आफ्टर द, वी कैन से, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रिजर्वेशन. 1922 में कुछ एस्टैब्लिश हुआ था इंटरनेशनल, एंड इट इज इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इसका हेडक्वार्टर आता है UK में. एंड ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन दैट स्ट्राइव्स टू कंजर्व द बर्ड्स एंड देयर हैबिटेट्स. तो बर्ड को कंजर्व करना है एंड उनका हैबिटेट मोस्टली कंजर्व करना, ये सबसे बड़ा एम यहाँ पे आपको दिख के आएगा. ठीक है, बट एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे मोर देन बर्ड कंजर्वेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा उनके हैबिटेट को कंजर्व किया जाएगा, कि जो बर्ड्स मोस्टली माइग्रेट करते हैं फ्रॉम द साइबेरिया टू समझो काजीरंगा में, अगर कुछ बर्ड्स माइग्रेट करते हैं तो उनके जो कंजर्वेशन जो उनका माइग्रेटरी लोकेशन है तो उसको अगर कंजर्व करते तो ऑब्वियसली इनके नंबर्स भी
इंक्रीज होने ही वाला है, तो उनके हैबिटेट पे यहाँ पे फोकस किया जाएगा बर्ड लाइफ इंटरनेशनल में। सो एंड ग्लोबल बायोडायवर्सिटी वर्किंग विद द पीपल टूवर्ड द सस्टेनेबल इन द यूज ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पार्टनरशिप ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट पार्टनरशिप रहेगा ऑफ कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड डिफरेंट रीजन्स में ये सर्व करते हैं, लाइक रीजन्स वाइज अगर देखा जाए अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक। ऐसे रीजन्स इनके कुछ अलग अलग आते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडायवर्सिटी एरिया इज एन एरिया आइडेंटिफाइड यूजिंग एन इंटरनेशनल एग्रीड सेट ऑफ क्राइटेरिया एज बींग ग्लोबली इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बर्ड पॉपुलेशन। ठीक है, सो IBA साइट कौन डिक्लेयर करता है, ऐसे UPSC ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो बस इतना ही सिंपली याद रखो, IBA साइट इज डिक्लेयर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एंड इंडिया में इसको कॉपरेशन कौन करता है, BNHS। ओके, तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज आते हैं, A1, A2 साइट ऐसे कुछ डिक्लेयर होता है। तो A1 में क्या होगा कि ग्लोबली थ्रेटन स्पीसीज होता है एंड होल्ड अ पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज कैटेगराइज बाय द IUCN रेड लिस्ट एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड एंड वल्नरेबल। मतलब जो थ्रेटन लिस्ट होती है ना IUCN की, तो वो बर्ड्स जहाँ पे भी माइग्रेट करेंगे तो वो हैबिटेट उनको क्या करना है, इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया डिक्लेयर करना है। लाइक काजीरंगा होगा, तो काजीरंगा में अगर फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन है, तो वो अगर वल्नरेबल में आता है, तो अगर जहाँ पे भी ऐसे वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड स्पीसीज लोकेट हो गए या माइग्रेट हो गए, तो वो हैबिटेट को हमें कंजर्व करने के लिए उसको A1 साइट बताया जाएगा फिर, तो उसको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन होगा। देन A2 मतलब रेस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीसीज होते कुछ, देन बायोम रेस्ट्रिक्टेड स्पीसीज हो गए एंड कंग्रेगेशन, ऐसे कुछ अलग अलग पार्ट्स होते। बट आई डोंट थिंक इस पर इतना डिटेल में जाएंगे, बट इतना ही याद रखो कि IBA इज डिक्लेयर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो योर आंसर मस्ट बी बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। ओके, जो कि बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन 1922 में एस्टैब्लिश हुई थी, और ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट नहीं है, याद रखना इसका और यूनाइटेड नेशन का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो याद रखना उतने ऐसे पार्ट्स, एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उतना याद रखो बस। सो इन द लाइट ऑफ कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो इंडिया में हुआ था, बॉर्न कन्वेंशन, IBA साइट, BNHS एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये चार कोर पॉइंट है जो आपको पढ़ना है आने वाले टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा ट्रैफिक, सो इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ नोन एज द वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क। सो ये ट्रैफिक कुछ आता है, सो इट इज़ अ लीडिंग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग ऑन वाइल्ड लाइफ ट्रेड इन द कंटेक्स ऑफ बोथ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन रहेगा या सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या ट्रैफिक का मेजर वर्क क्या है, देखो ट्रेड मॉनिटर करना कि जो डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीसीज होते हैं उनके बीच में जो ट्रेड होता है, तो वो ट्रेड मॉनिटर करना इसका मेजर वर्क रहेगा। एंड यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इट इज़ एस्टैब्लिश बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स, सो ट्रैफिक इज एस्टैब्लिश बाय WWF एंड IUCN। और इसमें सबसे पुरानी अगर देखा जाए तो IUCN आती है, IUCN 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी, और उसका मेजर इंपॉर्टेंट रोल था कि उन्होंने WWF को भी एस्टैब्लिश किया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड को भी एस्टैब्लिश किया था, एंड IUCN एंड WWF ने मिलकर ट्रैफिक को भी एस्टैब्लिश किया था 1976 में। उसका हेडक्वार्टर आता है कैम्ब्रिज, UK में, एंड इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ, प्लीज नोट दैट इट इज़ अ जॉइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN। तो ट्रैफिक इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, एक कुछ ऑर्गेनाइजेशन आएगी। ठीक है, तो याद रखना, बट इसका एस्टैब्लिशमेंट किसके थ्रू हुआ है, WWF एंड IUCN, ट्रेड को मॉनिटर करेंगे। एंड इट एम्स टू इंश्योर द ट्रेड इन वाइल्ड प्लांट ऑल्सो, मतलब यहाँ पे ट्रैफिक पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ वाइल्ड लाइफ में फौना को ही ये फोकस नहीं कर रहे, तो फ्लोरा ऑल्सो एंड फोना ऑल्सो। ठीक है, फोना एनिमल्स इज नॉट थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो ऐसे उनका ट्रेड वो काइंड से किया जाएगा। एंड इट इज़ गवर्न बाय द ट्रैफिक कमिटी विच इज स्टीयरिंग ग्रुप ऑफ द कंपोज ऑफ मेंबर ट्रैफिक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन WWF एंड IUCN। तो ट्रैफिक ऑल्सो वर्क इन द क्लोज कोऑपरेशन विद द साइट्स, तो साइट्स के साथ भी ये वर्क करते हैं, साइट्स हम आगे देखने ही वाले हैं। तो दैट इज़ कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, तो साइट्स भी कंट्रोल करता है कि जो डिफरेंटली माइग्रेशन होते हैं या फिर जो ट्रेड किया जाता है एंडेंजर्ड स्पीसीज का, तो उस पर लिस्टिंग वो प्रोवाइड करते हैं, Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 लाइक दिस। और उसका मॉनिटरिंग करने का काम, साइट्स के जो शेड्यूल्स है उस पर मॉनिटरिंग करने का काम भी ट्रैफिक करता है, तो ये कोऑपरेशन से वर्क करते हैं, ऐसे इसका मीनिंग होता है। सो ऐसे ट्रैफिक के बहुत स्पीसीज स्पेसिफिक भी कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किए थे उन्होंने, लाइक ट्रैफिक जो पैंगोलिन्स होता है तो उनका भी कंजर्वेशन किया जाता है उनके थ्रू, या पैंगोलिन्स में जो भी इलीगल ट्रेड बहुत ज़्यादा लेवल पे होता है पूरे वर्ल्ड में, पैंगोलिन्स होगा, या फिर एलिफेंट के जो आइवरीज होता है तो उनका भी ट्रेड यहाँ पे होता है, तो वही ट्रेड अगर देखा जाए तो वही कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक का इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो वही ट्रैफिक का रोल अगर देखा जाए तो ऐसे स्पीसीज कंजर्वेशन में रिसेंटली कौन सा था, सो दैट इज़ वॉन्टेड अलाइव। ठीक है, अ सीरीज ऑन अ 4 एशियन बिग कैट्स
टाइगर्स, लियोपर्ड्स, स्नो लियोपर्ड्स एंड क्लाउडेड लियोपर्ड्स। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली जो ट्रैफिक का एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वांटेड अलाइव, सो इट इज़ अबाउट द विच स्पीसीज एग्जैक्टली। सो योर आंसर मस्ट बी द अबाउट एशियन बिग कैट्स, फोर एशियन बिग कैट के रिलेटेड ये आता है। सो उसमें रहेगा टाइगर, ओके, फर्स्ट इज द टाइगर, सेकेंड लियोपर्ड, स्नो लियोपर्ड, क्लाउडेड लियोपर्ड एंड ऑल ऑफ देम आर थ्रेटन्ड बाय द इलीगल ट्रेड इन द बॉडी पार्ट्स। तो उनके बॉडी पार्ट्स का इलीगल ट्रेड जो इंडिया में होता है, तो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग ये मतलब मोस्टली वर्क करते हैं, ठीक है। सो ट्रैफिक का याद रखना, स्पीसीज स्पेसिफिक भी कंजर्वेशन चलता है, एलिफेंट रिलेटेड हो या पैंगोलिन रिलेटेड होगा, तो ऐसे अलग अलग नाम अगर आते हैं तो आपको वो गो थ्रू करने पड़ेंगे, ठीक है। सो वॉन्टेड अलाइव ये एक पॉइंट याद रखना है आपको रिलेटेड टू द बिग कैट्स। सो ट्रैफिक केम इन टू इंडिया इन 1991 एंड ऑपरेटिंग एज अ डिवीजन ऑफ WWF इंडिया। तो इसका अगर देखा जाए तो ये किसका डिवीजन में मोस्टली काम करता है, तो याद रखना। वैसे तो IUCN का ही ऑफिस अगर देखा जाए तो न्यू दिल्ली में आता है, और वही IUCN के ऑफिस में WWF का भी ऑफिस आता है एंड ट्रैफिक का भी ऑफिस आता है। तो एक्चुअली वैसे देखा जाए तो IUCN के ही ऑफिस में जो न्यू दिल्ली में है, तो वहाँ पे WWF का एंड ट्रैफिक का दोनों का ऑफिस आएगा, ठीक है। तो ये तीनों एक साथ क्लोजली वर्क करते हैं, बस इतना भी आप याद रखते हो तो मुझे लगता है मोर देन सफिशियंट हो जाएगा। तो इंडिया में तीनों के भी वर्किंग प्लेसेस है, मतलब तीनों के भी यहाँ पे वर्किंग साइट सबको दिख जाएगी, ट्रैफिक हो, WWF एंड IUCN, ऑल थ्री हैज़ इट्स वर्किंग ऑफिस इन इंडिया, दैट इज इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो याद रखना ट्रैफिक केम इन टू इंडिया इन 1991 ऑपरेटिंग एज अ डिवीजन ऑफ WWF इंडिया। तो WWF इंडिया का ही डिवीजन में ये काम करता है। सो नेक्स्ट इज साइट्स, सो दैट इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज, दैट इज साइट्स, ओके। सो वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फाउना, तो दोनों का भी जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है यहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज में, तो वो यहाँ पे होगा मोस्टली। एंड इट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट्स दैट एम्स टू इंश्योर द इंटरनेशनल ट्रेड इन स्पेसिमन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स शुड नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, ठीक है। तो मोस्टली जो ट्रेड होगा तो इतने वाइज लेवल पे होना चाहिए कि जिससे थ्रेट नहीं होना चाहिए। एंड इट वॉज कंसेप्चुलाइज इन 1963 एट द मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब एक्चुअली IUCN की कुछ मीटिंग हुई थी, जैसे मैंने आपको बताया कि IUCN एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1948 में एस्टैब्लिश हुई थी, तो उसके ही अंडर ये WWF होगा, IUCN है या ट्रैफिक है, सॉरी IUCN है, ट्रैफिक होगा या फिर WWF होगा एंड साइट्स ऑल्सो, तो इनके कन्वेंशन के अंडर ही ये डिसाइड हुए थे। बट वैसे एस्टैब्लिश होने में तो उसको टाइम लग गया, दैट इज एस्टैब्लिश इन 1975। तो साइट्स कब एस्टैब्लिश हुआ है, 1975, ओके। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट। एंड ये किस लिए एग्जैक्टली हुआ है इसका एस्टैब्लिशमेंट, टू यस द कन्वेंशन टू कंट्रोल द ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फौना। तो इसके बहुत सारे कंट्रीज पार्ट है, इसका हेडक्वार्टर था जिनीवा स्विट्जरलैंड में, जैसे हमने देखा था साइट्स का हो या WWF का होगा, IUCN के, इनके मोस्टली हेडक्वार्टर सबके आपको स्विट्जरलैंड में दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपली आप याद भी रख सकते हो। सो इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय द UNEP, इसका एडमिनिस्ट्रेशन मतलब किससे होता है, तो मोस्टली UNEP से इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है। द कन्वेंशन of the parties of sites is the supreme decision making body of the convention and comprises all the parties, okay। तो ऐसे बहुत सारे sites के different supreme मतलब decision making तो उनके हाथ में ही होगा। and although sites is a legally binding, so ये सबसे important point है कि जितने भी अभी तक हमने देखे IUCN होगा या फिर traffic होता है, तो it is not a legally binding, but this one मतलब sites ये क्या है कि legally binding में आएगा and it does not take the place of national law, but unfortunately ऐसे कि अभी तक इसके regarding कुछ laws ऐसे नहीं बने। बट द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे कंट्रीज़ में इसने सेपरेटली कुछ लॉज तो बनाए अपने अपने, जैसे इंडिया में अगर होगा तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो उसके Schedule 1, Schedule 2, Schedule 3 अगर देखते हम तो बहुत ही हाईली प्रोहिबिट करते हैं अगर कुछ इलीगल ट्रेड होता है या फिर जो ट्रेड रिलेटेड इशूज़ है, तो वहाँ पर हाईलाइट तो किए जाते हैं, ओके। सो वो भी एक पॉइंट आपको याद रखना है कि साइट्स ये लीगली बाइंडिंग में आता है एंड इसके जो भी मेम्बर्स है तो उन पर ये लीगली बाइंडिंग होगा। तो इंडिया भी इसका मेंबर है, 75 में जिसका फॉर्मेशन हुआ था साइट्स का, तो उसके एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर 76 में इसका पार्ट बन गया था इंडिया, ओके। सो साइट्स इज अ लीगली बाइंडिंग एंड इंडिया ऑल्सो द पार्ट ऑफ इट, सो दैट ये इंडिया पे भी लीगली बाइंडिंग होने वाला है, ठीक है। सो नेक्स्ट होगा कि देखो इसके अपेंडिक्स, तीन अपेंडिक्स आते हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2 एंड अपेंडिक्स 3। तो अपेंडिक्स 1 में जनरली क्या होता है कि ऐसे एंडेंजर्ड स्पीसीज होगी या डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन, जिनका आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं, लाइक टाइगर है फॉर एग्जांपल, तो उसका एक्सटेंशन या कमर्शियल ट्रेड इनके रिगार्डिंग अगर ज़्यादातर होता है, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होगा उनका, तो वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे मोस्टली फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे इंटरनेशनल जो ज़्यादातर ट्रेड होता है, ऐसे इलीगल ट्रेड जो होते हैं, तो वो अपेंडिक्स 1 में आ जाएगी, हाईली एंडेंजर्ड जो है वो। अपेंडिक्स 2 में अगर देखा जाए तो मे बिकम एंडेंजर्ड,
तो वो हो सकते इंडेंजर्ड, ठीक है, तो ऐसे प्रोबेबिलिटी है, तो वहाँ पे वो अपेंडिक्स टू में आ जाएगा। अपेंडिक्स थ्री में एटलीस्ट क्या होना चाहिए कि एक कंट्री में वी कैन से कि अपेंडिक्स थ्री मतलब क्या होगा कि एटलीस्ट स्पीसीज दैट आर प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री, ठीक है, तो एक कंट्री में भी तो भी एटलीस्ट उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, तब वो अपेंडिक्स थ्री में आता है। सो ऐसे जो अपेंडिक्स वन टू थ्री जो होते हैं तो जनरली उसका मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो फाइव स्पीसीज इंडिया ने बताए थे कि इसको हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दे दो, जैसे कि स्टार टॉर्टोइज है इंडिया में तो अपेंडिक्स टू में आता है तो उसको अपेंडिक्स वन में शिफ्ट करना है, या फिर स्मूथ कोटेड ओटर था तो उसको भी अपेंडिक्स टू से वन में शिफ्ट करना है, ठीक है, तो इसलिए इंडिया ने रिक्वेस्ट किया था, जो अभी मीटिंग हुआ था स्विट्जरलैंड में रिलेटेड टू दिस साइट्स का जो एक मीटिंग हुआ था, तो इंडिया ने वहाँ पे एक सजेशन दिया था उनको कि हमारे ऐसे कुछ इंडिया में फाइव स्पीसीज मिलते हैं तो उनको आप थोड़ा सा हाई डिग्री ऑफ द प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो, ठीक है, तो ऐसे फाइव स्पीसीज कौन से थे, शायद इस पर भी कुछ क्वेश्चन बन सकता है। सो प्लीज़ नोट दैट दैट इज़ द फर्स्ट, यस, स्टार टॉर्टोइस, स्मूथ कोटेड ओटर, देन वेज फिश नाम की एक वेज फिश ऐसे कुछ एक फिश आती है, एंड फोर्थ इज, यस, दैट इज जो एक टोकाई गेको आता है, टोकाई गेको, कि जिसका मोस्टली बताया जाता है कि ये टोकाई गेको जो है तो वो मोस्टली मतलब जो एनर्जी ड्रिंक्स होता है या टू ट्रीट द कैंसर एक्सेट्रा तो उसमें यूज़ हो सकता है, मतलब एक लिजार्ड की स्पीसीज है, ठीक है, तो मोस्टली इंडिया के में मतलब जो नीलगिरी का पार्ट है तो वहाँ पे ये टोकाई गेकोज मिलते हैं, तो इनको क्या है कि हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन दे दो, अपेंडिक्स वन में डाल दो, सो दैट इनका ट्रेड अगर इलीगली होता है तो वो रेस्ट्रिक्ट होगा। एंड एक फिफ्थ स्पीसीज थी एंड दैट इज़ द फौना, सॉरी फ्लोरा स्पीसीज, एंड दैट इज़ रोजवुड। ओके, तो इंडिया ने क्या बताया कि रोजवुड जो है तो रोजवुड को क्या करना है कि आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन कम कर दो, मतलब इनको अपेंडिक्स थ्री में रखा है तो इसको निकाल दो बाहर। क्यों निकालना है इसको बाहर? बिकॉज रोजवुड के इकोनॉमिक बेनिफिट, कमर्शियल बेनिफिट्स हमें इंडिया को मिल सकते हैं अगर हम इसका इकोनॉमिकली यूज़ करें तो इंडिया को ओपन कर दो कि जो मतलब यहाँ के ट्रेड होगा तो वो कोई इलीगल ट्रेड नहीं है, तो इंडिया इसको एक वाइजली यूज़ करेगा, एंड अदर कंट्रीज़ में रोजवुड को हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसके कुछ डिमांड्स होगी या वॉट एवर, मतलब लंबर उसका अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो रोजवुड को निकाल देना है। तो चार स्पीसीज़ को हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन करो, एंड एक जो स्पीसीज़ है रोजवुड, मतलब जो फ्लोरा स्पीसीज आती है, तो उसको क्या करना है कि एक मतलब वो लिस्टिंग से निकाल देना है, ठीक है, तो ऐसे इंडिया ने कुछ ये करंट अफेयर्स में आ सकता है आपको, ठीक है, तो याद रखना अपेंडिक्स वन टू थ्री तीनों भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूपीएससी ने अभी रिसेंटली बहुत क्वेश्चंस में ऐसे किया है कि उसके डिटेलिंग में जा रहे हैं, अभी सीआरजेड भी होगा तो उसके डिटेल में गए, इस बार देखो यूपीएससी ने जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था तो उसमें जो लास्ट फिफ्थ है, ठीक है, या सॉरी सिक्स्थ जो शेड्यूल है तो वो तक उन्होंने पूछा है, ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे डिटेलिंग हो सकता है, ठीक है, तो हर क्वेश्चन याद रखना, हर क्वेश्चन मतलब डिटेल्स पे जा रहा है अभी यूपीएससी में थोड़ा सा, तो डिटेल देख लो, हर एक एक्ट का क्या क्या डिटेल है तो वो थोड़ा सा चेकआउट करना है। सो नेक्स्ट इज द, यस, यहाँ तक सबको अंडरस्टैंड हुआ है, सो प्लीज़ रिप्लाई इन द लाइव चैट बॉक्स, आप रिप्लाई कर सकते हो सो दैट आई विल अंडरस्टैंड, बिकॉज वन वे कम्युनिकेशन अगर होता है तो फिर आपको थोड़ा मतलब अंडरस्टैंड, मुझे आपके क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड होना चाहिए, ठीक है। सो चलो, अभी तक हमने साइड्स देखा है, ट्रैफिक देखा है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का? यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? यू कैन सिंपली राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन? ओके, ठीक है, सो चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द सावेन। तो जैसे सार्क मेंबर आपको पता होगा, तो मोस्टली सार्क का एम क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सार्क, मतलब उसका अगर लॉन्ग फॉर्म आप सुन लेते तो मुझे लगता है आपको वो समझ जाएगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। तो रीजनल एरियाज में कॉपरेशन मेंटेन रखना, ऐसे सार्क में टोटल 8 कंट्रीज आते हैं जिसमें इंडिया एक इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो स्टैंड करता है। तो जैसे इसमें अफगानिस्तान होगा, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान है, श्रीलंका, इनका एक पूरा एंटायर सार्क है। तो ये सार्क का क्या है कि इकोनॉमिक कॉपरेशन मेंटेन रखो, जो भी पॉलिटिकल रिलेशन है वो अच्छे रखना है, बट एनवायरमेंटल यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है कि एनवायरमेंटली हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो अभी इसी के लिए सार्क के अंडर अगर देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम वर्क हुआ है, एंड दैट इज सावेन। तो ये जो सावेन था, सो साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क, मतलब इंडिया ने कमिटमेंट शो किया है वर्ल्ड लेवल पे कि हम रीजनली भी एफर्ट्स ले रहे हैं कि कल जाके अगर कुछ इंडिया में, जैसे अभी सितंबर करंट अफेयर्स में हमने डिस्कस किया था कि ओडिशा में 19.6 केजी का आइवरी
सीज किया गया था, मतलब जो एलिफेंट्स होते हैं तो उनका जो आइवरी का स्मगलिंग हो रहा था वो सीज किया गया। अगर ये कल जाके बांग्लादेश में सेल होता है या पाकिस्तान में सेल होता है, तो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए कि जो नेक्सस है वो ओपन करे। ये जो भी एंगेज होगा नेक्सस इन द सच इलीगल ट्रेडिंग, तो वो नेक्सस पूरा हमें क्या करना चाहिए, ओपन करना चाहिए, सो दैट कल जाके ऐसे वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ट्रेडिंग ना हो। ठीक है, तो यही एंगल से आप देखा जाए तो इंडिया एफर्ट्स ले रहा है, मतलब रीजनल लेवल पे भी इंडिया एफर्ट ले रहा है। तो इंडिया के खुद इंडिया में ही इलीगल ट्रेडिंग तो हम बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल कर रहे हैं, बट हम इंटरनेशनल लेवल पे भी कर रहे हैं, रीजनली भी कर रहे हैं। तो इसीलिए ये सावेन स्टार्ट हुआ था अंडर द सार्क, एंड दैट इज साउथ एशियन वाइल्ड लाइफ एनफोर्समेंट नेटवर्क। और ये नेटवर्क में कौन से कंट्रीज है, तो सार्क कंट्रीज ही आ जाएंगे, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। सो इट एम्स टू वर्किंग एज अ स्ट्रॉन्ग रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी फॉर कॉम्बैटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम्स बाय अटेम्प्टिंग कॉमन गोल्स एंड अप्रोचेस फॉर कॉम्बैटिंग इलीगल ट्रेड इन द रीजन। तो रीजन की बात चल रही है यहाँ पे, तो जो भी रीजन से, तो वहाँ पे इलीगल ट्रेड को बैन करना, तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे आता है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, तो इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे रहेगा, काठमांडू नेपाल। सो एडॉप्शन ऑफ सावेन स्टैट्यूट एनविजन इंडिया बींग अ पार्ट ऑफ रीजनल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी इन कॉम्बेटिंग वाइल्ड लाइफ क्राइम इन द रीजन एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो आप ऐसे रीजनली, मतलब मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप रीजनल कोऑपरेशन भी शो कर सकते हो कि हम इंडिया कैसे इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ को साथ में लेके, या फिर जो भी डिफरेंट रीजन है तो उसके साथ में मिलकर इंडिया कैसे वाइल्ड लाइफ क्राइम को डेफिनेटली कम कर रहा है, तो वो भी शायद यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव हैज़ बीन सेट टू अटेन द गोल टू टेक द इनिशिएटिव फॉर ब्रिंगिंग हार्मोनाइजेशन एंड स्टेबलाइजेशन इन लॉज एंड पॉलिसी पॉलिसीज ऑफ मेंबर्स एंड कंट्रीज कंसर्निंग द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना एक्सेट्रा एंड द डॉक्यूमेंट द ट्रेंड ऑफ पोचिंग एंड इलीगल ट्रेड रिलेटेड द थ्रेट्स टू द नेचुरल डाइवर्सिटी। तो देखो सिंपल है, मतलब आपको मुझे लगता है आइडेंटिफाई हो जाएगा ये सब, कि बस ट्रेडिंग हमको इलीगल ट्रेड जो है, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड क्राइम्स जो है, या नेशनल प्लान जो हो गया टू कर्बिंग द वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, तो ये कम करने के लिए पूरा सावेन यहाँ पे वर्क कर रहा है रीजनली कोऑपरेशन में। तो सार्क के मेंबर्स मोस्टली यहाँ पे रहेंगे, बस इतना ही याद रखो। नेक्स्ट है स्कार। सो देखो आपको मैप में ही, इसके लोगो में ही आपको दिख रहा है अंटार्कटिका आता है, सो बस सिंपली याद रखो सार्क इज सॉरी स्कार इज रिलेटेड टू, सो दैट इज साइंटिफिक कमिटी ऑन अंटार्कटिक रिसर्च। तो एक साइंटिफिक कमिटी है ऑन द अंटार्कटिक रिलेटेड रिसर्च। ठीक है, तो ये स्कार आता है, तो यहाँ पे आर्टिक पूछा जा सकता है या और भी कुछ पूछा जा सकता है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि अंटार्कटिक रिलेटेड है, अंटार्कटिक में जो भी रिसर्च होगा तो वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा, साइंटिफिक वी कैन से अंटार्कटिक रिलेटेड टीटीज, या यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके रिलेटेड जियो फिजिकल कैसे स्ट्रक्चर होगा, तो वो सब यहाँ पे डिस्कस होगा। ओके, तो बस इतना ही यहाँ पे, ज़्यादातर मुझे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, बस नोट ओनली वन थिंग, दैट इज इट इज़ रिलेटेड टू द अंटार्कटिक रिसर्च। ओके, तो अंटार्कटिक रिसर्च रिलेटेड ये स्कार आता है। ओके, बस इतना ही याद रखना है। एंड इट इज़ चार्ज विद द इनिशिएटिंग डेवलपिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इन द अंटार्कटिक रीजन। ठीक है, तो रिसर्च रिलेटेड ये ज़्यादातर इसमें इंपॉर्टेंट उतना कुछ नहीं आएगा। देन वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन, इट वॉज बोर्न इन 2010। तो इतना इसमें अगर देखा जाए तो बस राइजिंग सी लेवल के रिलेटेड जो इश्यूज़ है, तो उससे डील करने के लिए WNO बना है, दैट इज़ वर्ल्ड नेचर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आता है जिनीवा स्विट्जरलैंड में, और वही है, इसमें भी अगर देखा जाए तो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट मुझे कुछ लगा नहीं, बट देख लेना जस्ट आप सस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हो गए, या नेचुरल एनवायरनमेंट है तो उसको प्रोटेक्ट करना वगैरह एक्सेट्रा इसमें काम आता है। देन ये UPSC का क्वेश्चन था, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इज़ द क्वेश्चन ऑफ UPSC एंड दैट इज़ गैस्का। सो ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। तो एक बात आपको याद रखना है कि जो डेफिनेटली जो इम्पैक्ट होता है, मोस्ट ऑफ द जो इम्पैक्ट होता है कभी जाके क्लाइमेट चेंज होता है। फॉर जस्ट टेक द एग्जाम्पल ऑफ द USA, देन इंडिया, एंड इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ छाड़ इन अफ्रीका। ठीक है, तो ये अगर हम एग्जाम्पल तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं, और कल जाके साइक्लोन तीनों प्लेसेस पे अगर हिट होता है, ठीक है, जस्ट नोट वन थिंग कि साइक्लोन अगर तीन जगह पे जाके हिट होता है, मतलब क्लाइमेट चेंज से जो चेंजेस हो रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर फॉर एग्जाम्पल USA में साइक्लोन हिट होता है, इंडिया में साइक्लोन हिट होता है, एंड छाड़ में भी हिट होता है, और एग्रीकल्चर लॉसेस तीनों भी कंट्री में होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लॉसेस फेस किसको करने पड़ेंगे, तो छाड़ को, ऑब्वियसली बिकॉज दे आर मोर डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, या डेवलप नॉन डेवलप कंट्रीज रहेगी, ये अंडर डेवलप कंट्रीज है, उसके बाद डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, सो इनको भी इसके जो प्रॉब्लम्स है तो वो सबसे ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, बिकॉज ऑब्वियसली इंडिया में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो डिपेंड है, तो वो किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। सो जो भी क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ है,
ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, तो वो सबसे ज़्यादा किसको फेस करने पड़ने वाले, झाड़ एंड इंडिया को। एंड थर्ड आता है यूएसए, जो कि डेवलप कंट्रीज लाइक यूएसए, तो उनको सबसे कम होगा बिकॉज उनका एग्रीकल्चर जो डिपेंडेंस है वो कम है, एंड उनकी इकोनॉमी वी कैन से कि डेवलप्ड है, सो दैट जो भी फंडिंग रिलीज होगा तो उसकी वजह से वो कंपेंसेशन वगैरह दे सकते हैं। तो उस पर अगर देखा जाए यूएसए पे इतना यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं होगा। सो याद रखना, ऑलवेज जो इशू फेस करना पड़ता है वो किसको फेस करना पड़ता है, क्लाइमेट चेंज से जो एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होते हैं तो वो फेस करना पड़ेगा डेवलपिंग नेशन एंड नॉन डेवलप नेशंस को। तो इसीलिए ये ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ है, एंड वो था ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, कि कल जाके अगर कुछ इशू हो जाता है क्लाइमेट चेंज रिलेटेड तो ऐसे डेवलपिंग नेशंस या नॉन डेवलप कंट्रीज को हम हेल्प करेंगे। सो इम्प्रूव फार्मर्स एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम्स इन अ सस्टेनेबल वे, तो इनका इनकम इंक्रीज करो, इनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करो, तो ये सस्टेनेबल वे से प्रॉपरली होना चाहिए। एंड बिल्ड फार्मर्स रेजिलियंट टू एक्सट्रीम वेदर एंड चेंजिंग क्लाइमेट, तो उनको रेजिलियंट बनाना है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मोस्टली फार्मर्स है, तो अगर कल जाके यहाँ पे कुछ इशू होता है तो उनको अदर सेक्टर्स भी ओपन करके दो, या उनको रेजिलियंट बनाओ, मतलब वी कैन से कि उनका जो प्रोडक्शन है तो ऐसे बायफर्गेट होना चाहिए कि उनको इतना अगर क्लाइमेट चेंज भी हो जाता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, या ड्रॉट भी आता है कल जाके तो उनके पास अदर ऑप्शन ओपन होने चाहिए। तो इसलिए एफर्ट्स लिए जाएंगे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होना चाहिए, क्लाइमेट भी अगर चेंज होता है तो उसके स्मार्टली आप उससे डील कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन यहाँ पर डेवलप करना है। सो रेजिलियंस टू द एक्सट्रीम वेदर एंड चेंजिंग क्लाइमेट, रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन एसोसिएटेड विद द एग्रीकल्चर व्हेन पॉसिबल, पहले तो ये दो अचीव कर लो, और उसके बाद कल जाके जब अच्छे आइडियल कंडीशन आ जाएगी तब हम एग्रीकल्चर से जो मीथेन वगैरह रिलीज होता है तो, या स्टबल बर्निंग से जो CO2 रिलीज होता है तो वो भी कल जाके हम कम करेंगे। सो याद रखना, GACS है, दैट इज गैस का, इट इज़ एन इंक्लूसिव वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी एक्शन यही UPSC ने स्टेटमेंट में पूछा था, क्वेश्चन में 2018 का कुछ क्वेश्चन था कि ये कैसे ऑर्गेनाइजेशन है एग्जैक्टली। तो याद रखना, इट इज़ एन इंक्लूसिव वॉलंटरी एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ऐसे आता है, एंड उन्होंने पूछा था कि यहाँ पे मैंडेटरी है, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज द मैंडेटरी, ऐसे सेकंड क्वेश्चन सेकंड स्टेटमेंट था, वो गलत था, ठीक है। और फर्स्ट स्टेटमेंट यही था एग्जैक्टली, जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया फर्स्ट स्टेटमेंट, तो वही उसका फर्स्ट स्टेटमेंट था, और दैट इज राइट, ओके। एंड इट इज़ अ विजन टू इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी, इनका क्या क्या विजन है देखो, कि जो डेवलपिंग नेशंस वगैरह है तो उनको क्या करना है, यहाँ पे फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है नॉन डेवलप कंट्रीज या डेवलपिंग नेशंस को, एंड न्यूट्रिशन रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो ऐसे इनको प्रोवाइड करना है, एंड इट एम्स टू कैटलाइज एंड हेल्प क्रिएट ट्रांसफॉर्मेशनल पार्टनरशिप टू एनकरेज द एक्शन दैट रिजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू द 3 पिलर्स ऑफ द CSA, ठीक है। तो ऐसे कुछ इनके ये 3 पिलर्स है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट, ओके। सो वो आप थोड़ा सा एक बार अगेन पढ़ लो, जब कभी ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको अवेलेबल हो जाता है, सो जस्ट प्ले द पॉज बटन एंड यू कैन जस्ट ओवर थ्रू ऑल दिस थिंग्स, ओके। तो ये बाद में आप ओवरलुक कर देना सब, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो याद रखना, फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशन, रेजिलियंस इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज टू द एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट एम GASCA का रहेगा, बस इतना ही देख लेना। एंड यहाँ पे देखो, मेंबर्स GACA मेंबर्स वॉलंटरी प्लेटफॉर्म, ये वॉलंटरी प्लेटफॉर्म है, इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी, और UPSC ने वही पूछा था कि ये मैंडेटरी है, तो ऐसे गलत था वो स्टेटमेंट, UPSC ने गलत दिया था, तो उसका आंसर 1 ओनली था। ऐसे देखो, मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट पहचानना सीखो, बिकॉज अभी UPSC बहुत अलग लेवल पे जा रही है, ठीक है। तो इट इज़ अ कम्प्लीटली वॉलंटरी, नॉट कंपलसरी, ठीक है। ओपन टू द गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशनल सिविल सोसाइटीज, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस हु एग्री विद इट्स विजन एंड इट्स फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट। सो बींग अ मेंबर डज नॉट क्रिएट एनी बाइंडिंग ऑब्लिगेशन एंड मेंबर्स डिटरमाइन देयर पर्टिकुलर वॉलंटरी एक्शंस। तो यहाँ पे उन्होंने दिया था कि बाइंडिंग रहेगा वो, पब्लिक पार्टिसिपेशन ये बाइंडिंग दिया था UPSC ने, तो वो गलत था, ठीक है, याद रखना वो स्टेटमेंट गलत था। तो बाइंडिंग है कि यहाँ पे दैट इज़ नॉट बाइंडिंग, ओके, नॉट बाइंडिंग ऑब्लिगेशन, ये कम्प्लीटली वॉलंटरी रहेगा, ठीक है। एंड इंडिविजुअल कैनॉट बी अ मेंबर, ठीक है, बट दे कैन ज्वाइन GASCA एक्शन ग्रुप्स, तो एक्शन ग्रुप्स है तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल यहाँ पे मेंबर नहीं हो सकता, याद रखना, ठीक है। तो कोई इंडिविजुअल पर्सन होते हैं तो वो इसके मेंबर्स नहीं होंगे, मतलब एक्शन ग्रुप्स के थ्रू ये ज्वाइन कर सकता है। सो इट इज़ ऑल अबाउट द GASCA विच वॉज द क्वेश्चन ऑफ द UPSC इन 2018, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया है, सो एनी क्वेश्चन अबाउट द GASCA, किसी का कुछ क्वेश्चन है? यस, एनी क्वेश्चन? ओके, यू कैन सिंपली राइट इन द चैट बॉक्स फास्ट, एनी क्वेश्चन?
ओके ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं आरटी काउंसिल, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो इस पर मुझे लगता है क्वेश्चन बन सकता है, बिकॉज रिसेंटली इंडिया गॉट द ऑब्जर्वेटरी अगेन, मतलब एज अ वी कैन से इंडिया हैज़ बिन रीइलेक्टेड एज एन ऑब्जर्वर टू द काउंसिल। मतलब हम फिर से इसमें क्या हुआ है कि हमें रीइलेक्ट किया गया, बट किसके लिए? ऑब्जर्वर, एज अ ऑब्जर्वर। ठीक है, तो याद रखना इंडिया ये एज अ ऑब्जर्वर रीइलेक्ट हुआ है 2019 में, तो इसलिए करंट अफेयर्स में चल रहा है। तो यूपीएससी ने इस बार तो नहीं पूछा है, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन इन 2021। ठीक है, तो इंडिया री इलेक्ट हुआ है आर्टिक काउंसिल में। अब व्हाट इज एग्जैक्टली आर्टिक काउंसिल? तो याद रखना काउंसिल है, मतलब यहाँ पे कोई पॉलिटिकल इशूज या वी कैन से ट्रांसबाउंड्री इशूज या बॉर्डर इशूज ऐसे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं होंगे। ये कम्प्लीटली एनवायरमेंट रिलेटेड प्रोटेक्शन होगा या सोर्सेस होगा, कोऑपरेशन बना रहे, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज द लीडिंग इंटर गवर्नमेंटल फोरम प्रमोटिंग कोऑपरेशन, प्लीज नोट दैट, प्रमोटिंग कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन इंटरेक्शन अमंग द आर्टिक स्टेट्स, आर्टिक इंडिजिनियस कमिटीज एंड अदर वी कैन से आर्टिक इनहैबिटेंट्स और अ कॉमन आर्टिक इशू, इन पर्टिकुलर ऑन इशूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो इन्होंने मेंशन किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स पे ये काम करेंगे, एनवायरमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इन आर्टिक रीजन। ठीक है, तो एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ये इनका मेजर वर्क रहेगा। एंड आर्टिक काउंसिल वर्क एज अ कंसेंसस बॉडी और कंसेंसस बेस्ड बॉडी टू डील विद द इशूज सच एज चेंज इन बायोडायवर्सिटी। देखो उनका मेजर फोकस वही है कि आर्टिक रीजन्स में, मतलब आर्टिक रीजन मतलब क्या होता है कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ तक का जो सर्कल आता है, तो ये सर्कल में जो भी कंट्रीज होंगे पार्शली और कंप्लीटली, सो दोज आर इंक्लूडेड इन द आर्टिक काउंसिल। सो ओनली दोज आर द मेंबर, परमानेंट मेंबर्स ऑफ द आर्टिक काउंसिल, एंड आउट ऑफ आउटसाइड दिस, मतलब एग्जैक्टली आर्टिक सर्कल के बाहर के जो कंट्रीज है वो हो गए ऑब्जर्वर। तो ऐसे ऑब्जर्वर तो देखा जाए तो ओनली कुछ 13 यहाँ पे कंट्रीज आएंगे। देखो 8 सर्कम पोलर कंट्रीज एज अ मेंबर, ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ 13 कंट्रीज आते हैं जो कि इसके ऑब्जर्वर है। ठीक है, सो यहाँ पे डेटा तो गिवन नहीं है, बट याद रखना 13 है, उसमें से इंडिया एक आता है। सो 8 सर्कम पोलर कंट्रीज जो है तो उसके पूरे मेंबर्स रहेंगे। ठीक है, एंड मतलब कंप्लीट मेंबर है, उनको वोटिंग राइट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा रहेंगे। सो याद रखना कौन से कंट्रीज आते हैं यहाँ पे, कैनेडा, यूएसए का अलास्का पार्ट, रशिया, ओके, देन वी कैन से फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड एंड डेनमार्क ऑल्सो। वैसे तो डेनमार्क ये मेन वाला डेनमार्क है, यूरोप वाला तो वो तो बहुत नीचे आता है, बट डेनमार्क के टेरिटरी और एक है, दैट इज़ द ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसलिए डेनमार्क भी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे टोटल 8 कंट्रीज आते हैं आर्टिक काउंसिल में, विच आर द परमानेंट मेंबर, नॉट मतलब ऑब्जर्वेटरी, वो 13 अलग से है। ठीक है, वो हम बाद में देखते हैं। सो याद रखना इनका मेजर काम वही है, कंसेंसस बॉडी टू डील विद द इश्यूज सच एज चेंजिंग इन द बायोडायवर्सिटी, मेल्टिंग सी आइस, प्लास्टिक पोल्यूशन, ब्लैक कार्बन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये ब्लैक सूट वगैरह जो इशू आपको रिसेंटली दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो वैसे न्यूज़ में तो कंटिन्यूस ये चलते ही रहता है। ठीक है, ब्लैक सूट रिलेटेड इशूज, इससे एल्बेडो जनरली क्या होता है कि डिक्रीज हो जाता है, मतलब रिफ्लेक्शन रेट डिक्रीज होता है, सो दैट एब्जॉर्प्शन इंक्रीज। एल्बेडो अगर डिक्रीज होता है तो याद रखना एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगा। एब्जॉर्प्शन इंक्रीज मतलब यस मेल्टिंग ऑल्सो इंक्रीज, और जितना मेल्टिंग उतना सी लेवल राइज, ग्लोबल वार्मिंग लाइक इशूज यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, सो इसी कंसर्न से डील करना ये इनका मेजर पर्पज़ है। एंड आर्टिक काउंसिल इज हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल बॉडी सेटअप इन 1996। तो ठीक है, ईयर रात याद रहा तो ठीक है, बट मुझे लगता है मेंबर्स इसके याद रखो, एनी हाउ आपको इसके मेंबर्स याद रखने हैं। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एंड देखो 13 नॉन आर्टिक स्टेट्स हैव ऑब्जर्वर स्टेटस, ओके, एंड हैव नो वोटिंग राइट्स, मतलब जो ऑब्जर्वर स्टेटस जिनको है तो उनको वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, सो याद रखना इंडिया भी इसका पार्ट है, बट एज अ ऑब्जर्वर इंडिया पार्ट रहेगा, तो इनको वोटिंग राइट्स नहीं है। ठीक है, वैसे 13 कंट्रीज इसके ऑब्जर्वर है एंड 8 कंट्रीज इसके क्या है, मेंबर्स है। तो बहुत ही कम कंट्रीज है देखो ऑब्जर्वर में, 13 ही कंट्रीज है और उसमें से एक इंडिया है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, मतलब इसमें एटलीस्ट हम एज अ ऑब्जर्वर तो भी रोल ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी क्रूड ऑयल रहेगा या जो भी आर्टिक एक्सपीडिशन प्रोग्राम्स होंगे, तो इसलिए आर्टिक काउंसिल की यहाँ पे परमिशन लगने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ये आर्टिक काउंसिल है, एंड इसका सेक्रेटरीट अगर देखा जाए तो ट्रॉम्सो नॉर्वे में आता है, तो ये सेक्रेटरीट भी थोड़ा सा एक बार देख लेना। एंड इंडिया डज नॉट हैव एन ऑफिशियल आर्टिक पॉलिसी एंड इट्स रिसर्च ऑब्जेक्टिव हैव बीन वी कैन से कैंटेड ऑन इकोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट विद अ फोकस ऑन क्लाइमेट चेंज टिल नाउ। ठीक है, तो ऐसे आर्टिक रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे तो यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे, मोस्टली रिलेटेड टू द एनवायरमेंट, ब्लैक सूट, प्लास्टिक रिलेटेड पोल्यूशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लीज़ यहाँ पे जियोपॉलिटिकल वगैरह इश्यूज मत लिख के आना कि अगर इनका कुछ टेरिटोरियल इश्यूज है, फॉर एग्जांपल आइसलैंड एंड कनाडा का, सॉरी डेनमार्क का कुछ अगर इशू आता है तो वो यहाँ पे ज़्यादातर डिस्कस नहीं होगा, एनवायरमेंट रिलेटेड फैक्टर ही यहाँ पे डिस्कस होंगे।
अब इनके कुछ वर्किंग ग्रुप्स आते हैं जैसे ACAP, आर्टिक कंटेमिनेंट एक्शन प्रोग्राम, देन आर्टिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम, देन कंजर्वेशन ऑफ आर्टिक फ्लोरा एंड फौना वर्किंग ग्रुप, ऐसे कुछ आता है। देन इमरजेंसी प्रिवेंशन एंड प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स ऑफ द वर्किंग ग्रुप, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिक मरीन एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। तो एक जनरलाइज जितना आपको ये सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट है तो उतने ही याद रखना है, बाकी मुझे लगता है इतना कुछ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि ACAP आर्टिक कंटेमिनेंट एक्शन प्रोग्राम एंड आर्टिक मॉनिटरिंग असेसमेंट प्रोग्राम ये किसके पार्ट्स है, मतलब आर्टिक काउंसिल के ये 6 वर्किंग ग्रुप्स है। सो जस्ट आप हेडलाइन याद रखो, इसके डिटेल में मतलब कोई भी जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द आर्टिक काउंसिल। सो इंडिया भी इसका ऑब्जर्वर पार्टी है। ओके, तो ये री इलेक्ट हुआ है, 19 में ही री इलेक्ट हुआ है इंडिया, तो मुझे लगता है इसलिए री इलेक्शन की वजह से मुझे लगता है इस बार इस पे क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको? आर्टिक क्वेश्चन एंड आर्टिक काउंसिल, इसके मेंबर कुछ भी करके याद रखो, ग्रीनलैंड मतलब, ग्रीनलैंड मतलब डेनमार्क आ जाएगा, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, अलास्का एंड कनाडा। सो दीज आर द परमानेंट मेंबर ऑफ द आर्टिक काउंसिल। ओके, अब अगर यहाँ से कोई रोड जाता है तो मतलब जो एक ओपन हो रहे ना सी रूट्स, भी अभी ओपन हो रहे हैं यहाँ से, एक शॉर्टेस्ट वे रूट्स माने जाते हैं यहाँ पे टू कनेक्ट फ्रॉम द पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन, कनेक्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो ये शॉर्टेस्ट रूट है, अदरवाइज आपको पूरा सर्कल करके मतलब इंडियन ओशन से जाना पड़ेगा। तो ऐसे अगर देखा जाए तो शॉर्टेस्ट रूट्स है, बट ये रूट्स भी कौन से होने चाहिए, इनकी वजह से यहाँ पे कुछ हैबिटेट है, इकोसिस्टम है, तो उनको थ्रेट तो नहीं हो रहा है। तो जब आर्टिक काउंसिल इसको परमिशन देगी तो तभी वो रूट एक्सेसिबल हो गए। तो ऐसे पॉइंट्स आपको ये भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक अच्छा खासा एक इंपॉर्टेंट, अगर देखते हैं हम, आर्टिक काउंसिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, टू कंजर्व द क्रायोस्फेरिक बायोडायवर्सिटी, क्रायोस्फेरिक इकोसिस्टम, तो ये क्रायोस्फीयर एक इकोसिस्टम में हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके, यस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे आयुषी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है आपको ऑलरेडी। ठीक है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, एंड ऑलरेडी एनवायरनमेंट द हिंदू न्यूज़ कवरेज बहुत अच्छा मैंने कवर किया है। ठीक है, पूरा एक साल का यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया है, तो वो आप प्लीज़ चेकआउट करो अर्न अकेडमी आर्टिकुलेट पे। एंड आपको अगर PPTs चाहिए सो जस्ट फॉलो मी ऑन द अर्न अकेडमी ऐप, जो है आपका स्पेशल क्लासेस फ्रीली अवेलेबल है सबके लिए, पूरे एनवायरनमेंट द हिंदू का एवरी डे का न्यूज़ जो है, तो ऐसे मंथली हमने कवरेज किया है पूरे लास्ट 1 ईयर का। और वहाँ से जैसे लास्ट ईयर तो पूरे क्वेश्चन हमारे हिट हुए थे, ऑलमोस्ट जितने भी 20 के आसपास कुछ क्वेश्चन आए थे एनवायरमेंट एंड ज्योग्राफी, सो वो डायरेक्टली एक 18 के आसपास कुछ क्वेश्चन हमारे हिट हुए थे। और दैट इज़ यू कैन से जो आज विजन से भी नहीं हिट होते, तो उतने ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पूरे मटेरियल से हिट हुए थे, तो यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट। ओके, तो PDF आर फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू, जस्ट गो एंड सब्सक्राइब। अभी हम संडे को आने वाले संडे को जो अक्टूबर का करंट अफेयर्स है 15 डेज का, तो वो भी डिस्कस करने वाले हैं। सो डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट होगा, जस्ट गो एंड चेक। जस्ट सुमित कोंडे आपको टाइप करना है ऑन अन अकेडमी ऐप, सो यू विल गेट ऑल द वीडियोज। ओके, यस, एनी मोर क्वेश्चन? सो आई थिंक इट इज सफिशियंट फॉर टूडे। सो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? किसी का कुछ क्वेश्चन है? यस, फास्ट। यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, फाइन, सो ओके, डन। ठीक है, एनी क्वेश्चन प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर क्वेश्चन। सो प्लीज अगर कुछ क्वेश्चन होगा किसी का तो आप पूछ सकते हो, सो दैट वी विल कंटिन्यू टुमारो सम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। एंड वो रहेंगे कल अगर जब हम कवर करेंगे, दैट इज द GF, ओके, दैट इज द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। देन ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कैन इनिशिएटिव, पेज इनिशिएटिव, ये भी यूपीएससी के, पूरे यूपीएससी के क्वेश्चन जो आए थे वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। देन फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी रहेगा, GTF रहेगा, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव रहेगा। देन उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, वो भी हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद हम इंडिया के जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री रहेगा या फिर CZA है या एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, देन वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये सब हम कल डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, सो चलेगा, है ना? तो आई थिंक इट इज़ सफिशियंट फॉर टुडे, सो वी विल डिस्कस रिमेनिंग पार्ट बाय टुमारो। ओके, सो कल हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने वाले,
सो ट्राई टू अटेंड लाइव लेक्चर्स ओनली. ओके सो राइट एट 1 PM कल लेक्चर होगा, सो प्लीज़ लाइव लेक्चर्स अटेंड करो. ओके देन थैंक यू ऑल ऑफ यू. सो मिलते हैं कल एग्जैक्टली 1 PM को. ओके यस थैंक यू एवरीवन.